शुक्राना गुरु जी का आज हम सबको फिर से मिलाया है और बहुत सौभाग्यों से हम लोग मिल सकते हैं, बार बार मिल सकते हैं। ये गुरु जी की संगत ही है जो इतनी लकी है कि गुरु जी संगत लगाते हैं, गुरु जी खुद विराजमान होते हैं और हम सब एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे की आध्यात्मिक वृद्धि करने के लिए हम मदद करते हैं एक परिवार के जैसे। थैंक यू सो मच संगत जी जुड़ने के लिए। और इसी बात पे और गुरु जी की आज्ञा लेते हुए हम आज का सत्संग शुरू करते हैं। आज हम लोग जपजी साहब जी की व्याख्या कंटिन्यू रखेंगे। आज गुरु जी ने की आज्ञा से पौड़ी नंबर 22 एंड पौड़ी नंबर 23 करने की कोशिश करूंगी। दोनों छोटी हैं, पौड़ीज हैं, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं दोनों कवर कर दूंगी, लेकिन आज ही मैं सोच रही थी कि मैंने सोचा है मैं दोनों कवर करूंगी, लेकिन इतनी छोटी पौड़ीज हैं लेकिन मैसेज इतनी ज्यादा प्रोफाउंड है, इतनी ज्यादा डीप है। तो बस कोशिश करेंगे, गुरु जी करवाएंगे और हम करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू संगत जी वंस अगेन जुड़ने के लिए। और मैं पहले पौड़ी नंबर 22 पढ़ देती हूँ और उसके बाद उसकी व्याख्या हम लोग करेंगे। तो पौड़ी नंबर 22 है, पाताला पाताल लख आगा सा आगास, ओड़क ओड़क भाल थके वेद कहन इक वात, सहस अठारा कहन कतेबा असलू इक धात, लेखा होए ता लिखिए लेखे होए विनाश, नानक वट्टा आखिए आपे जाने आप। तो संगत जी हम लोग एक रेकरिंग थीम है जपजी साहब जी की, जहाँ पे बार बार गुरु एक पर्पस के लिए हम इंसानों को एक बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बार अलग एग्जांपल्स लेके एक बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं और हम एक स्टेप एक पौड़ी और ऊपर जाएंगे ये पौड़ी समझकर, क्योंकि जब हम बात समझते हैं हम इंसानी मत ऐसी होती है कि पूरी बात नहीं समझते, इसलिए गुरुजी हमें एक एक स्टेप और डीप लेके जाते हैं बहुत ही प्रोफाउंड थीम में। तो मनुष्य के मन की बनावट कैसी है? मनुष्य के मन की बनावट ऐसी है कि बार बार ये ख्याल आता है मनुष्य के मन में किसी भी वस्तु को देखकर या किसी भी इंसान को देखकर कि ये क्या है, ये कौन है, ये कहाँ से आया है, इसका पास्ट क्या है, इसका आद क्या है, इसका मध्य क्या है, इसका अंत क्या है। तो ये सब स्वाभाविक से सवाल है और बहुत ही नेचुरल फिनोमिनन है। कोई भी तंदुरुस्त दिमाग जो होगा, तंदुरुस्त मन में ये सब जो सवाल हैं वो आएंगे। और सबसे ज़्यादा तंदुरुस्त जो दिमाग होता है, मन होता है, वो धार्मिक लोगों का होता है। और धार्मिक लोगों का जो अपने धार्मिक पथ पे चल चल के कुदरत को देखकर और उस ईश्वर का नाम जप कर उस कर्ते का अनुभव करके, उनके मन में भी ये एक क्वेश्चन आता है, एक स्वाभाविक सा एक लाजमी सा एक क्वेश्चन आता है कि ये कुदरत कितनी बड़ी है, ये जो यूनिवर्स है या मल्टीवर्स जैसे कुर्बानी में लिखा है वो उसका पसारा कितना बड़ा है। तो क्योंकि इंसानी दिमाग है ही क्यूरियस, हम जानना चाहते हैं कि ये जो कुदरत बनाई है हमारे भगवान ने वो उसका पसारा, उसका अंत कहाँ तक है। तो यही बात हमें गुरु नानक देव जी इस बार अलग एग्जांपल्स लेकर समझा रहे हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारा समझना, क्योंकि हम में से ही कुछ साइंटिस्ट हैं, कुछ लॉजिकल माइंड वाले हैं और वो बार बार उनका मन यहाँ इन सवालों में जाता होगा। तो अनंत काल से जो ऋषि मुनि हैं, जो दार्शनिक लोग हैं, वो प्रभु का नाम जप जप कर वो पता लगवाना चाहते थे कि ये पसारा कितना बड़ा है। और धर्म ग्रंथों में अगर देखो, क्योंकि सिखिज्म इज रिलेटिवली अ न्यू रिलीजन, अभी 600 साल पुराना है, गुरु नानक देव जी के आने के बाद ये धर्म बना है, लेकिन उसके पहले काफी धर्म ग्रंथ लिखे जा चुके थे। तो धर्म ग्रंथों में अगर देखो तो जैसे एक धर्म ग्रंथ में 14 लोकों का एक रेफरेंस आता है। 14 लोग कौन से? 7 हेवन और 7
नेदरवर्ल्ड्स, मतलब जो जो सात आकाश हैं और सात पाताल हैं और बीच में हमारी मनुष्य की धरती है। तो ये 14 लोक गिने जाते हैं धर्म ग्रंथों में। सेमिटिक रिलीजन्स होते हैं जो ज्यूज, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, उनके भी, और वहाँ पे 14 ग्रंथों का एक रेफरेंस है। और गुरु गोविंद सिंह जी ने भी अपनी अपनी रचना में इसका रेफर किया है, 14 लोकों के बारे, सात आकाश का और सात पाताल का। लेकिन उन्होंने ये भी रेफरेंस किया है कि रोम रोम कोट ब्रह्मांड को निवास जास, मतलब ईश्वर इतना बड़ा है कि उसके रोम रोम में कोट ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड का निवास होता है। तो जब ईश्वर इतना बड़ा है और 14 लोकों का जो एक रेफरेंस मिलता है धर्म ग्रंथों से, इसका मतलब जो सात आकाश हैं, और अगर सात पाताल और सात आकाश हैं और उनमें दो दीवे हैं विच इज सूर्य एंड चंद्रमा, तो ये तो एक ब्रह्मांड की बात हो गई। ईश्वर का जो पसारा है उसमें करोड़ों कोट कोट ब्रह्मांड उसके रोम रोम में बसा है। तो ये जो यूनिवर्स है या जो मल्टीवर्स कहते हैं, इसका पसारा लगाना नामुमकिन है। हम बहुत छोटे हैं और हम लोग अपने आप को इंटेलिजेंट जरूर समझते हैं, काफ़ी हद तक हमने साइंस ने तरक्की करी है, डेवलपमेंट किया है, हवाई जहाज में उड़ते हैं, मीलों हजारों मीलों का रास्ता एक घंटे में तय कर लेते हैं। जी हाँ, उसका एक फ़ायदा है साइंस का, लेकिन एक लिमिटेशन है, क्योंकि इंसानी दिमाग एक लिमिट के बाद, भगवान ने वो हमें शक्ति दी ही नहीं है कि हम भगवान को पूरा समझ पाए। तो गुरु गोविंद सिंह जो फरमा रहे हैं कि रोम रोम कोट ब्रह्मांड को निवास जास, तो एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड हैं। अगर करोड़ों ब्रह्मांड हैं तो एक ब्रह्मांड में सात लोक हैं, 14 लोक हैं, सात हेवन, सात पाताल, तो एक सूरज है। तो करोड़ों ब्रह्मांड हैं तो अनंत सूरज होंगे, करोड़ों सूरज होंगे। इसका प्रमाण भी कुर्बानी में मिलता है कि करोड़ों सूरज हैं। तो कोट सूरजा के प्रकाश, कोट महादेव अर्क विलास, ये भी गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला है कि कोट सूरजा के प्रकाश। तो इसी बात पे गुरु नानक देव जी क्या कह रहे हैं जपजी साहब में, वो हमें समझा रहे हैं। वो क्या समझा रहे हैं, पहली पंक्ति में पाताला पाताल लख आगासा आगास, इतने पाताल हैं, इतने पाताल हैं, करोड़ों या पता नहीं अनगिनत, क्योंकि कोई नंबर अटैच करना ही गलत है। हमें पता ही नहीं कितने करोड़ों लखों पाताला पाताल है और आगासा आगास है। तो जब वो लख का वर्ड यूज करते हैं गुरु नानक देव जी, उसका मतलब एक लाख नहीं, उसका मतलब जो लखिया ना जाए, जो लिख नहीं सकते। तो आपको जैसे पता है एक गुरबानी मेटाफोरिक लैंग्वेज है, तो उसी लैंग्वेज में वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाताला पाताल लग आगासा आगास। और इसी के साथ हमें वो दूसरी पंक्ति में लेके जा रहे हैं, जहाँ वो हमें समझाते हैं कि ओड़क ओड़क भाल थके वेद कहन एक बात। ओड़क मतलब आखिर, तो आखिर के बाद आखिर के बाद आखिर के बाद आखिर, हम उसका आखिर कभी नहीं पहुंच सकेंगे। ओरक ओरक, तो हम एक्सप्लोर कर करके आखिर में एक्सप्लोर कर करके उसके बाद हमें और मिलेगा। तो ओरक ओरक भाल थके, तो जो भी इंसान, जो भी तंदुरुस्त दिमाग का है, जो बहुत ही आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त कर चुका है, जो ईश्वर के गुण गाता है, जो ईश्वर को जप करता है, लेकिन उसके मन में जब ये सवाल आया तो वो भी थक गया। क्योंकि चाहे वेद हो, वेद का मतलब ये नहीं जो एक ग्रंथ का नाम है, वेद मतलब जितने भी जो धार्मिक ग्रंथ हैं, कोई भी आज तक, आज की डेट तक कोई भी ये बात नहीं लिख पाया
कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, क्योंकि ये लिखा नहीं जा सकता, ये किसी की कैपेसिटी में नहीं है, वो चाहे जितना भी आध्यात्मिक उसने सिद्धि प्राप्त क्यों ना कर ली हो। तो जितना भी जिसने एक्सप्लोर किया, आखिर वेदों के रचयिता, और उन्होंने भी एक ये बात कर दी कि पाताल अपाताल लख आगासा आगास, उनके मुंह से भी ये सेम बात निकली। तो अगिनत पाताल है, बेशुमार आसमान है, आकाश है, और ये अलग अलग जो स्क्रिप्चर्स हैं, अलग अलग धर्म ग्रंथ हैं, उनमें इसका अलग अलग रेफरेंस मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रीक माइथोलॉजी में कहा जाता है कि ज्यूस या जुपिटर जो गॉड हैं, वो हेवंस के ऊपर रूल करते थे, और हेडिस और प्लूटो पाताल के ऊपर रूल करते थे, और बीच में हमारे मॉर्टल्स की हमारी धरती थी। मॉर्टल्स मतलब जो आते हैं, जाते हैं, मरते हैं, जन्मते हैं, मॉर्टल्स की हमारा जो धरती है। और ये हिंदू ग्रंथ में भी पाया जाता है, हम कहते हैं ना हेवन है और पाताल है, हेल है, तो ये सब इस सब का रेफरेंस गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि ये सब करेक्ट है, कि कोई भी इसका एस्टिमेशन नहीं लगा सकता। और नेक्स्ट पंक्ति, तीसरी पंक्ति, सहस 18 गहन कतेबा असलु इक धात। यहाँ पे ज्यादा जो सिमेट्रिक स्क्रिप्चर्स है उनकी बात हो रही है। जो कतेबा है ना, वो द रिलीजन्स ऑफ द बुक, फॉर एग्जाम्पल क्रिश्चियंस, ज्यूज, मुस्लिम्स, उनको रिलीजन्स ऑफ द बुक भी कहते हैं, और उनके रिलीजन्स में भी यहाँ लिखा हुआ है कि सहस 18 मीन्स 18,000 वर्ल्ड्स हैं जो क्रिएट किए हैं भगवान ने। तो असलु एक धात, गुरु नानक देव जी कह रहे हैं आई एम नॉट गोइंग टू काउंट, असलु एक धात, लेकिन सब एक ही बात कह रहे हैं, एक ही फंडामेंटली एक ही चीज कह रहे हैं। असलू मतलब एक अरेबिक वर्ड है, मीन्स फंडामेंटली एक्चुअली एक धात, धात मतलब एक मेटल होता है, लेकिन एक ही बात फंडामेंटली करेक्ट है सब में, कि उसका पसारा नहीं पाया जा सकता और ना हमें पाने की कोशिश करनी चाहिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग होता रहेगा संगत जी आगे की पंक्तियों में, क्योंकि पूरा का पूरा क्लियर कर देते हैं गुरु जी कि क्यों हमें एक्सप्लोर नहीं करना चाहिए। एक तो हो गया कि हमारी कैपेसिटी ही नहीं है, हम लोग तो है ही बहुत छोटे, हमारी तो कैपेसिटी बनाई ही नहीं गई है जहां हमें कभी भी इस यूनिवर्स का अंत मिलेगा। और दूसरा रीजन भी हमें बताया गया है, और उसके लिए अगली पंक्तियों में थोड़ा वेट करें हम। सहस 18 गहन कतेबा असलू एक था, जैसे चार वेद हैं, वैसे ही ईसाई इस्लामी जगत में भी चार कतेबा हैं। तो ये कतेबा मानती हैं कि 18,000 वर्ल्ड्स हैं, और तदर्मा में ये लिखा है, लेकिन सब मानते हैं कि असलू एक धात। द एसेंस इज वन अकॉर्डिंग टू गुरबानी, द मल्टीवर्स कंसिस्ट ऑफ अनकाउंटेबल वर्ल्ड्स, अनकाउंटेबल, वी आर नॉट रेडी टू काउंट देम, वी विल नेवर बी एबल टू काउंट देम। बेसिकली ये सारे कंक्लूड करते हैं, सारे भी धर्म ग्रंथ यही कंक्लूड करते हैं, दैट गॉड इज बियॉन्ड अवर कैपेसिटी। कि ये कौन से आलम 18,000, ये इस्लाम धर्म में मुंजत पेज 1 में ये लिखा है, ये वर्ड्स हैं कि ये कौन से आलम 18,000। तो जो स्कॉलर्स हैं सिखिज्म के, वो मानते हैं कि इसी का गुरु नानक देव जी ने रेफरेंस दिया है 18,000 से। तो कि ये कौन से आलम, कौन मतलब वो जो भगवान की धुन है, विद हिज वर्ड गॉड क्रिएटेड 18,000 वर्ल्ड्स, तो यहाँ पे उन्हीं का रेफरेंस है। लेकिन असलो एक धात, और हमें उसी से हमें वी शुड बी कंसर्न्ड, असलो एक धात है और वो भगवान है, हम शायद गिन नहीं पाएंगे और या उनका पसारा हम कभी भी उसका अंत में नहीं पहुंच पाएंगे। तो बार बार गुरुजी हमें, बार बार गुरु नानक देव जी हमें यही दोहरा रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं, तो इसका बहुत इम्पोर्टेंस है
संगत जी, कि भगवान को पूरा समझना, उसकी सृष्टि का माप तोल करना, छोटा सा भी एस्टिमेशन करना एक इंसान के लिए इम्पॉसिबल है, और हमें उस काम में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो जो भी उस काम में पड़ा है आज तक, वो हेल्पलेस होके, वो मायूस होके बाहर निकला है, क्योंकि ये हम पता नहीं लगवा पाएंगे, क्योंकि इसका एक बहुत एक प्योर लॉजिक भी है, सिंपल लॉजिक भी है, कि जो चीज़ हम समझ जाते हैं वो हमारी बुद्धि से छोटी होती है। बात खत्म, यहीं पे बात खत्म होती है, कि अगर हमें कोई चीज समझ में आ जाती है जो हमारे कैपेसिटी के अंदर है, जो हमें पूरा समझ में आ जाए, वो हमसे छोटा होता है, तो हम भगवान को कैसे समझ पाएंगे? इम्पॉसिबल, क्योंकि वो कृत है, हम कृत हैं, और उन्होंने हमें बनाया है, वो कर्ता है, कर्ता की दुनिया हम नहीं समझ सकते। पिता का जन्म की जाने पूर्व, पिता का जन्म क्या कभी कोई पुत्र, कोई बच्चा जान सकता है? नहीं। सिमिलरली हम भगवान के बारे हम कैसे जान सकते हैं? हम उनकी कृत हैं। तो गिनती हमें नहीं आती, और हमारी जो जितनी गिनती आती है ना, वो भी विनाश हो जाएगी। और यही लिखा है अगले पंक्तियों में, लेखा होए ते लिखिए, लेखे होए विनाश। तो इतना लेखा अगर हो तो हम लिखे ना, हमारे पास इतना लेखा ही नहीं है, और हमें समझ में आए तो हम लिखें, हमें समझ में ही नहीं आएगा, और ना हमारे पास गिनती है, तो हमने कैसे पहुंचना है उस पसारे के अंत तक? ना हमारे पास उतनी बुद्धि, ना उतना लेखा, और ना हमारे पास कोई समझ बूझ हमारे पिता को समझने के लिए। तो गिनती हमें आती नहीं, और पसारे का अंत मिलेगा तब गिनेंगे ना, और हम अंत कभी हमें मिलना नहीं। तो क्योंकि जो चीज समझ में आ गई एक्यूरेटली, वो इंसान के काबू में आ जाती है, और इंसान के काबू में भगवान नहीं आ सकता, ये हमें याद रखना चाहिए। इसीलिए गुरु नानक देव जी दोहरा रहे हैं बार बार, कि हमें भगवान को एस्टिमेशन, या वो कितना बड़ा है, या उसका पसारा कहाँ तक है, ये एस्टिमेशंस भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इससे भी हमारे सिर पे भार आ जाता है, ये गलत काम कहलाते हैं इसको, क्योंकि वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड समथिंग विच इज इनकॉम्प्रिहेंसिबल। अगर हमने ये बात नहीं समझी कि भगवान इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, इसका मतलब हम भगवान के हुक्म के अंदर अभी आए ही नहीं है। तो ये हमें समझना और एस्टिमेशन लगाना व्यर्थ है, बिल्कुल फिजूल है। सो इन शॉर्ट, अवर गुरु इज आस्किंग अस नॉट टू अटेम्प्ट मेजरिंग द यूनिवर्स, इट इज बियॉन्ड अकम्प्लिशमेंट। और पांचवी पंक्ति क्या कह रही है इस बॉडी में, नानक वट्टा आखिए, आपे जाने आप। तो नानक, जहां भी वर्ड आता है नानक जपजी साहब जी में, उसका मतलब ये है कि वो उस बात पे जोर लगा रहे हैं, वो अपने आप को उसमें सामने डाल रहे हैं, कि कन्फर्मेशन दे रहे हैं कि नानक वड्डा आखिए। जब हम बड़ा कहते हैं अपने गुरु को, अपने भगवान को बड़ा कहते हैं, हमें बड़ा भगवान की जब बढ़ाई करनी होती है, तो हम बढ़ाई तो करें, हम उनके गुण गाएं, हम उनकी सिफत सलाह तो जरूर करें, लेकिन ये समझने की कोशिश ना करें कि वो कितना बड़ा है, वो क्या है, उसका पसारा कहाँ तक है, ये हमें काम नहीं करना चाहिए। बस वो बड़ा है, हमारी समझ में इतना ही काफी है, कि भगवान बड़ा है, बहुत बड़ा है, और गुरु के बताए हुए मार्ग पे हमें चल के, कुर्बानी से जो हमें एक सजेशन मिलती है, एडवाइस मिलती है, उसके हिसाब से हमें बिल्कुल भी उस पसारे का एस्टिमेशन नहीं लगाना चाहिए। तो ये तो हुआ बॉडी नंबर 22 संगत जी। हम इमीडिएटली बॉडी नंबर 23 में जाते हैं, क्योंकि इन अ वे इट इज लिंक्ड, और यहाँ पे और भी एक्सप्लेनेशन आ रही है कि हम क्यों नहीं समझा पाते भगवान को, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि हम भगवान में मिल जाएंगे एक दिन, हम भगवान को पा जाएंगे, भगवान हमारे अंदर है, तो हम उनको क्यों नहीं समझ सकते फिर,
उसका आंसर भी गुरु नानक देव जी हमें देते हैं। उसके पहले मैं पौड़ी पढ़ देती हूँ। साला ही साला एती सुरत ना पाया, नदिया अते वाह पवे समुंद ना जानिए, समुंद सा सुल्तान गिरा सेती माल धन, कीड़ी तुलना होवनी जेतिस मनोह न विसरे। बहुत ही ब्यूटीफुल लाइंस में, सिर्फ चार लाइनों में, अगर चार शब्दों में अगर एक जिंदगी की एजुकेशन हमें मिल रही है संगत जी, तो आई थिंक वी ऑल आर वेरी लकी। सबसे पहले मैं, क्योंकि मैं भी अभी समझ रही हूँ इतने सालों के बाद, और आप लोग एक सब गुरु जी की एक महिमा है, एक ब्लेसिंग है जिसके लिए हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं और ये एजुकेशन हमें मिल रही है। पहली लाइन ये है, पहली पंक्ति पौड़ी नंबर 23 की, कि साला ही साला एती सुरत न पाया, कि एक भक्त को भगवान का नाम लेना है, नाम जाप करना है, ये तो जपजी साहब में पूरा रोड मैप लिखा है भगवान तक पहुंचने का, कि सच्चा नाम अगर हम अपने मुंह से जपेंगे, हम अपने कानों से सुनेंगे, हम अपनी सुरत को ब्लैंक करके बस उस शून्य में जाएंगे, हम अपने अंदर वो नाम जाप पहुंचाएंगे, तो हम मैले नहीं रहेंगे, हम साफ हो जाएंगे अंदर से और हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो एक भक्त को भगवान का नाम लेना है, जाप करना है, भगवान की सिफत सलाह करनी है, लेकिन ये नहीं सोचना है कि अगर हम भगवान के गुण गाएंगे तो हम भगवान को पूरा समझ जाएंगे, क्योंकि इतनी सूरत हमें नहीं मिली है। क्या जानने की सूरत हमें, क्या क्या बोध नहीं हो सकता, क्या नहीं मिला हमें, ये नहीं मिला हमें कि वो कितना बड़ा है, पाताल कितना बड़ा है, आगाश कितना बड़ा है, ये यूनिवर्स कहाँ खत्म होता है, कितने आकाश हैं, कितने सूर्य हैं, इसकी सूरत नहीं दी गई है। लेकिन फिर भी अगर हमें कोई ज्ञान नहीं आएगा, अगर हमें इसकी प्राप्ति नहीं होगी कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, हमें नॉलेज नहीं आएगी, तो हमें भगवान के बारे पूरा क्यों समझ में, कैसे समझ में आएगा, तो हम उनका जाप क्यों करें, हमें क्या प्राप्ति में होगा। तो उसका आंसर हमें गुरु नानक देव जी अगली पंक्ति में देते हैं। नदिया अते वाह पवे समुंद ना जानिए, ये बहुत ब्यूटीफुल लाइन्स हैं और शायद थोड़ा लंबा एक्सप्लेनेशन होगा इसका, कि सबसे पहले तो हम जान लें कि गॉड इज अनोएबल, भगवान को हम पूरा नहीं जान सकते, ये तो हम अपने दिल में बैठा लेते हैं ये बात। ज्ञानी संत मस्कीन जी ये कहते हैं कि जिन्होंने भगवान की मेडिटेशन करी है, नाम जाप किया है, उनको बड़ा बड़ा बोला है, उनकी सिफत सलाह की है, उनके गुण गाए हैं, उनके कीर्तन गाए हैं, तो वो व्यर्थ नहीं गया है। तो हमें क्या प्राप्त हुआ फिर, अगर हमें भगवान की नॉलेज पूरी नहीं मिल सकती, इस यूनिवर्स का पूरा एक 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 एक्सपांस कितना है वो समझ में नहीं आ सकता, तो हमें क्या प्राप्ति हुई फिर। उनकी की हुई सिफत सलाह व्यर्थ नहीं जा सकती, क्योंकि गुरु नानक देव जी कहते हैं कि कितना बड़ा है मालिक वो तो नहीं जान सकते, लेकिन सिफत सलाह का एक बहुत बड़ा फल हमें मिलता है, और वो क्या फल है, वो फल है नदिया अते वाह पवे समुंद ना जानिए, कि जब नदियां और दरिया सागर में तक पहुंच जाती हैं और सागर में जब लीन हो जाती हैं, तो क्या सागर की आप गिनती कर सकते हैं, तो क्या वो नदी अभी सतलज नदी है, ब्यास नदी है पंजाब में, वो सागर में जाके जब लीन हो गई, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये सतलज नदी है और ये ब्यास नदी है जो सागर में मिली हुई है, और क्या वो नदी जान सकती है जो सागर में समा गई कि वो सागर कितना बड़ा है। बस यही ब्यूटीफुल लाइन से हमें गुरु नानक देव जी समझा रहे हैं कि सागर का रूप हो जाते हैं हम जब हम भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं, हम भगवान को पा जाते हैं, तो भगवान के अंदर समा जाते हैं, हमारी सूरत ही नहीं रहती कि हम वापस आके इस दुनिया में, इस माया वाली दुनिया में वापस आके लोगों को भगवान के बारे समझाएं, उसके पहले ही हम उसमें लीन हो चुके होते हैं। तो जो बड़ा बड़ा कहते हैं ईश्वर को, जो ईश्वर में जब लीन हो जाते हैं, तो ये तो वही बात हुई जैसे एक नमक की ढेरी में
एक नमक का पहाड़ है और उसमें से एक नमक की ढेरी कहती है कि मैं इस सागर में जाके बताती हूँ कि ये सागर कितना डीप है, मैं वापस आके आप सबको बताती हूँ। तो वो अपने रास्ते में जाकर सागर के अंदर डुबकी लगा देती है और जैसे 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 वो नीचे जाती है तो वो नमक की ढेरी रहती ही नहीं है, वो तो डिजोल्व हो जाती है पूरे समुन्दर में। क्या वो जान सकती है कि वो समुन्दर कितना गहरा है या उसका पसारा कहाँ तक है? तो वो नमक की ढेरी वापस कैसे आएगी? वो वापस आ ही नहीं सकती क्योंकि वो डिजोल्व हो चुकी है, वो समा चुकी है। तो बाकी की जो नमक की ढेरियां हैं जो उस पहाड़ में वेट कर रही हैं कि वो वापस आएगी, हमें बताएगी, वो वापस आएगी, वो वेट करते रह जाएंगे, अनंत काल तक वेट करते रह जाएंगे, लेकिन वो नमक की ढेरी कभी वापस नहीं आएगी। तो यही है, हम जब लीन हो जाते हैं प्रभु में तो हम वापस आकर हम नहीं बता सकते। और वापस आने का मतलब मृत्यु से नहीं है कि हम मृत्यु के बाद प्रभु में लीन हो गए हैं। याद रखिए संगत जी, हम लोग जीवन मुक्त की बात कर रहे हैं, जीते जी हम प्रभु को पा सकते हैं। जीवन मुक्त मरने के बाद सिख धर्म में, गुरु ग्रंथ साहिब जी में तो ये लिखा है कि मरने के बाद हमें नहीं पता हमारा हाल, वो तो प्रभु को पता है, हमें नहीं पता हमारा क्या हाल है। तो उसको वो पाना, क्या पाना जब आपको पता ही नहीं कि आपने पाया कि नहीं। तो जीते जी इस एक पर्पस ऑफ लाइफ फुलफिल करने के लिए, हमें एक सक्सेसफुल जीवन जीने के लिए, हम जीते जी जीवन मुक्त हो सकते हैं और हम जीते जी भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान में लीन हो सकते हैं। और जैसे ही हम भगवान में लीन होते हैं, गुरु के दिखाए हुए मार्ग पे चलकर हमारी वो होश ही नहीं रहता कि हम वापस आके दूसरों को ईश्वर के बारे बताएं, क्योंकि ईश्वर हमारे अंदर, हम ईश्वर के अंदर समा चुके होते हैं। तो जिन्होंने गुरु के दिखाए रास्ते पे चल दिया, उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति कर ली। तो गुरु की बात जिन्होंने नहीं मानी, जिन्होंने डाउट किया, या जो किनारे पे खड़े रहे, जिन्होंने समुन्द्र में डुबकी लगाई ही नहीं, वो तो बस खड़े इंतजार करते रह जाएंगे कि जिन्होंने डुबकी लगाई वो वापस आके हमको बताएं, जो कभी होने ही नहीं वाला। जिसने डुबकी लगाई वो वापस आएगा ही नहीं। तो इसीलिए गुरु के मार्ग पे दिखा के फेथ करके अगर हम चले, हमें गुरु क्योंकि हमें गुरु प्रसाद के साथ, सिर्फ गुरु प्रसाद के साथ ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। जिन्होंने बहुत ज्यादा अपना दिमाग लगाया उनको गुरु की और उनको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो हम जैसे, मैं मुझ जैसे किनारे पे खड़े हुए देख रहे हैं लोगों को जाते हुए, गुरु की बात मानते हुए और समुन्द्र में डुबकी लगाते हुए, तो हम जैसे जो लोग हैं वो उनको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। वो सिर्फ किनारे में सोचते सोचते उनकी जिंदगी कट जाएगी। तो नाम जपते जपते, मेडिटेट करते करते, सिर्फ सिफत सलाह करते करते उस परमेश्वर में लीन हो जाते हैं वो सच्चे भक्त। और जो किनारे में खड़े रहते हैं वो खड़े खड़े देखते ही रह जाते हैं, इंतजार करते रहते हैं कि ये हमें बताएगा कि ईश्वर कौन है, ईश्वर कहाँ है, ईश्वर कितना बड़ा है, जो कभी मौका आएगा ही नहीं। इसीलिए गुरु नानक देव जी की ये जो पंक्तियाँ हैं वो कहती हैं, सोई अजान कहे मैं जानिया, जानन हार न छाना रे। मतलब जो कह दे कि मैं ईश्वर को जानता हूँ, उसने तो ट्रूली 100% उसने ईश्वर को जाना ही नहीं। और जिन्होंने ईश्वर को जान लिया वो इसमें समा गए, वो वापस आके एक्सप्लेन करने लायक रहे ही नहीं। तो जैसे वही बात है ना, कहे कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे तो क्या कहे, एक गूंगा गुड़ कैसे एक्सप्लेन करेगा। बार बार गुरु नानक देव जी कहते हैं ईश्वर इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, मैं खुद एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा आपको, ये तो एक अनुभव है। इसीलिए वो एक प्रैक्टिकल रोड मैप दे रहे हैं हम सब के लिए, एक आम इंसान के लिए, घर बैठे हुए ईश्वर प्राप्ति के लिए। ईश्वर को एक्सप्लेन करना इज इम्पॉसिबल, इतने शब्द कोश नहीं है हमारे पास, इतनी बुद्धि नहीं है और इतनी समझ तो है ही नहीं हमारे पास। कहिए कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे तो क्या कहिए,
सो जो उस प्रभु के अंत को तय लेना लेने जाता है वो वहीं प्रभु में समा जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। इसलिए हम प्रभु का अंत तो नहीं जान सकते, लेकिन प्रभु की सिफत सलाह कर करके गुण गा कर और गुरु के मार्ग पे दिखाए हुए मार्ग पे चल के, जो क्या कहा था पौड़ी नंबर 4 में, अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार, अमृत वेला उठ के भगवान को प्रायोरिटी दे के, सच्चा नाम जप के, उनकी वडियाइयां करके, सिफत सलाह करके, कीर्तन गा के, हम अपनी जो अपनी जिंदगी बिताते हैं वो ईश्वर प्राप्ति कर लेते हैं और हम अपनी मैल धो सकते हैं, जीवन मुक्त बन सकते हैं और ईश्वर में समा सकते हैं। यही है ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता। लेकिन जो आध्यात्मिक जिनमें बल है, जिन्हें सिद्धि प्राप्त है, जो बिल्कुल छोटे से छोटे बन सकते हैं, जो वैनिश हो सकते हैं, जो फिर से प्रकट हो सकते हैं, उनको इतनी सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं कईयों को, लेकिन वो भी ईश्वर का पसारा नहीं जान सकते, ये लिखा है गुरबानी में। तो जब हम परमात्मा में लीन हो जाते हैं, अपने आप को भी नहीं पहचान सकते, मतलब हम अपने आप को खो देते हैं, हमारा नाम नहीं रहता, फिर हम नहीं रहते, क्योंकि जिनमें होमे है, जिनमें मैं है, वो ईश्वर प्राप्ति तो हो ही नहीं सकती। तो अपना होमे, अपना मैं खोना पड़ता है। जब हम अपना मैं खो देते हैं, अपना एक देही का जो एक मान है वो खो देते हैं, अपने धन का जो मान है वो खो देते हैं, अपने मुल्क का मान खो देते हैं, अपने मजहब का मान खो देते हैं, तब जाके हमें ईश्वर प्राप्ति होती है। तो फिर थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है उन लोगों को जो बहुत डीप समझना चाह रहे हो कि अगर हम इस दुनिया में रहते हैं तो हम तो इन्हीं मानों के बल पे रहते हैं कि हमें देही मिली है, हम इसी के बल पे अपने कार्य करते हैं, हमारा नाम होता है, हमारे कुल का नाम होता है, हमारी अच्छी फैमिली होती है, परिवार होता है, हमारा मुल्क होता है, वी बिलोंग टू इंडिया, वी बिलोंग टू आंध्र प्रदेश, वी बिलोंग टू पंजाब, हमारी ये लैंग्वेज है, मेरी हिंदू है, हिंदी लैंग्वेज है, तुम्हारी हिंदी है, तुम्हारी पंजाबी है, तुम्हारी उर्दू है, मेरा मजहब सिख धर्म है, हम उस पर मान करते हैं, मेरा हिंदू धर्म है, मैं इस्लाम से बिलोंग करता हूँ। लेकिन जब ईश्वर की प्राप्ति होती है तो मजहब नहीं आता, तब संगत जी, तब हम मजहब से कहीं ऊंचे पहुंच चुके होते हैं, तब हमें कोई मजहब, कोई नाम, कोई कुल, कोई मुल्क, कोई लैंग्वेज, किसी का भी मान नहीं होता और ना वो एग्जिस्ट करते हैं। जब हम उस ऊंची अवस्था में पहुंचते हैं जहां हमें मजहब भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि मजहब ट्रूली भगवान का मजहब है, प्यार का मजहब है, ये तो मजहब हमने इंसानों ने बनाया है। इसीलिए सिख धर्म में तो ये कहा जाता है, जो एक सच्चा सिख होता है वो ये कहता है, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा भला। तो सारा जगत एक मित्र दिखता है। जब सारा जगत एक मित्र दिखता है तो उस समय कोई मजहब याद नहीं आता, सारा जगत को मदद करने की, को सेवा करने का ये एक हुकुम आप जान सकते हो एक सिख धर्म में है। तो इसका गुरबानी में और भी लाइन्स हैं जो इस बात को सपोर्ट करती हैं, ना को बैरी ना ही पे गाना, सगल संघ हमको बन आए। बस हम सब में एक है, हम ना कोई बैरी होता है उस समय, ना कोई बेगाना, ना किसी और मजहब का, ना कोई और मुल्क का। तो जो लीन हो गए, देही का मान छोड़ दिया, मुल्क का मान छोड़ दिया, मजहब का मान ना रहा, तो उन सबको, उनको क्या प्राप्त हुआ? उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हुई संगत जी, उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हुई। उन्हें इन सबको छोड़ना पड़ेगा, हम सबको ये इन सब से दूर जाना पड़ेगा ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। जब तक मैं हूँ और वो मैं एग्जिस्ट कर सकता है इन माई नेम, इन माई कुल, इन माई फैमिली, इन माई होम, इन माई कंट्री, माई लैंग्वेज, माई रिलीजन, माई जो हम करते रहते हैं वो, इट हैज़ टू डाई। और तब उससे ज़्यादा हम लोग जब उस अवस्था में पहुँचते हैं तब हमें भगवान की प्राप्ति होती है। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? ईश्वर प्राप्त हुआ। तो समुद्र सा सुल्तान गिरा सेती माल धन,
ये हम तीसरी पंक्ति में आ रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुली गुरु नानक देव जी समझा रहे हैं कि जहाँ ना जोबन रहा, ना संबंधी रहे, ना माल रहा, ना धन रहा, ना जात, ना पात, ना रंग, ना कुल, ना कुछ, तो हमें जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, उस स्टेट को, अवस्था को डिस्क्राइब करने के लिए एक एग्जाम्पल गुरु नानक देव जी यूज कर रहे हैं, समुंद साह सुल्तान गिरहा सेती माल धन। मतलब समुंद साह कहते हैं कि जो समुंदर है वो 75% ऑफ द अर्थ सरफेस है, 75% पानी का है और सिर्फ 25% लैंड एरिया है। तो समुद्र जितना समुंदर है, 75% भी अगर किसी सुल्तान का इतना बड़ा किंगडम हो जाए, जो आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ, इतना बड़ा किंगडम आज तक किसी का नहीं हुआ संजय जी, लेकिन अगर इतना बड़ा भी किसी का किंगडम हो जाए, उसका उसका राज चले और वो सुल्तान कहलाए, और गिरहा सेती माल धन, गिरहा मतलब माउंटेन्स, और उसके पास माउंटेन्स एंड माउंटेन्स ऑफ वेल्थ, गोल्ड सिल्वर हो, हाथी घोड़े हो, सब उसके आसपास जाएं, लेकिन लेकिन कीड़ी तुल न होवनी जेतिस मनो न विसरे। अगर भगवान को मन से विसार दिया, अगर भगवान को मन से बिछड़ गए हम, भगवान से मन को, मन में नाम नहीं लिया भगवान का, तो उस दरगाह में उसका मान सम्मान कितना होगा, एक कीड़ी जितना भी नहीं होगा। और कीड़ी का एग्जाम्पल क्यों यूज कर रहे हैं गुरु नानक देव जी, क्योंकि कीड़ी में ना रंग, ना रूप, ना कुल, ना परिवार, ना उसमें वेल्थ, ना जोबन, ना संबंधी, ना जात, ना पात, उसको कुछ नहीं मिलता संगत जी। और जब पैरों के नीचे आती है तो अनजाने में मारी भी जाती है, हम कीड़ी को देखते भी नहीं है कभी कभी, और हम उसको मार डालते हैं अपने पैरों के नीचे। कितनी कीड़ियां रोज आती हैं पैर जब हम बाहर चलते हैं, तो कीड़ी की एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं कि जिन्होंने उसका जहाँ पे इस धरती पे जितना मर्जी मान सम्मान हो जाए, लेकिन असली दरगाह में उसका मान सम्मान एक कीड़ी जितना भी नहीं हो सकता, जो उसने इस उस भगवान को अपने मन से विसार लिया। तो जिसके मन में हरि का नाम है, वो ऐसे राजा ही नहीं, वो उसके उसका जो वो सच्चा राजा होता है, जिसका मान सच्चे दरबार में होता है। तो कहे कबीर निर्धन है सोई, जाके हृदय नाम ना होई। जितना बड़ा राजा हो जाए, सुल्तान हो जाए, 75% ऑफ द अर्थ एरिया वो ले ले, लेकिन उसकी भी कोई इज्जत नहीं उस दरगाह में, कीड़ी जितनी भी। सो आप सोच सकते हैं कितना पावरफुल एग्जाम्पल है संगत जी, कितना पावरफुल, कि हम सोचते हैं कि जहाँ यहाँ हम वेल्थ को, हम मान सम्मान को, हम पोजीशन को इतना महत्व देते हैं, कितना महत्व देते हैं, तो लेकिन जिसके मन में भगवान की एक एक भगवान बैठा हुआ है, भगवान का नाम बैठा हुआ है, वही असली अमीर है। और वो हम नहीं समझ सकते, हम एक दूसरे को भी नहीं समझ सकते कि किसके मन के अंदर सच्चा नाम बसा हुआ है। और यही हमारे प्यारे गुरुजी ने भी कहा है, जब हम सत्संग में आते हैं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई मिनिस्टर नहीं, और कोई रंक नहीं, कोई राजा नहीं, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाइए, किसी के लिए उठने के लिए गुरुजी ने नहीं कहा है। तो ये सब, ये इक्वालिटी होना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पे जो हम मान सम्मान देते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उस इंसान की दरगाह में मान हो, वो जो एक कीड़ी जितने भी, जिसको हम पूछते नहीं इस दुनिया में, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं कि ये तो कोई भी नहीं है, हो सकता है उसका सम्मान उस दरबार में एक्चुअली असली मायने में हो। इसलिए हमें सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए, किसी को देख के इग्नोर या किसी को देख के बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिसके मन में वो बसा है, उसी को असली दरगाह में असली मान, सच्चे नाम का मान मिलेगा। तो संगत जी, कोशिश थी छोटी सी एक व्याख्या गुरु जी ने हमसे करवाई, उसके लिए हम धन्य हैं। गुरु जी का बहुत बहुत रोम रोम से शुक्राना करते हुए आज की व्याख्या मैं यहीं पे अंत करती हूँ। और
बस गुरु जी जल्दी जल्दी दूसरी पौड़ियाँ भी करवाएं और फिर मैं आपके सामने फिर आऊंगी गुरु जी की आज्ञा के साथ ये व्याख्या कंटिन्यू करने के लिए। थैंक यू सो मच संगत जी, आप महान हैं कि आप जुड़ते हैं, आप लोग कितने सारे मैसेजेस भी भेजते हैं और क्योंकि आप लोग दिल से जुड़े हुए हैं गुरबानी से। मैं तो ये पढ़ के मैं तो सोचती हूँ आप लोगों के मैं चरण छू लूँ, क्योंकि आप लोग इतने धन्य हैं, इतने रिलीजियसली, इतने सिंसियरली आप पौड़ी पे पौड़ी, पौड़ी पे पौड़ी आप सुनना चाहते हैं, और क्योंकि आपकी भगवान से लिव लगी है, आप भगवान को की प्राप्ति करना चाहते हैं, भगवान से प्यार है। जिनका भगवान से प्यार नहीं है वो इस व्याख्या में क्या सत्संगत में भी नहीं बैठ सकते। सो थैंक यू सो मच संगत जी जुड़ने के लिए और फिर हम मिलेंगे गुरु जी की आज्ञा के साथ। जय गुरु जी।